नमस्कार, मैं सतीश कुमार वर्मा, वरिष्ठ टेक्नीशियन, भारत सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान विश्वनाथ चाराली असम से। मैं आज आपको एक ट्रैक्टर के साथ एम्प्लीमेंट को कैसे जोड़ा जाता है उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे पास जो एम्प्लीमेंट है वो नो टाइम फिक्स टाइप कल्टीवेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक हमारे पास ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के साथ हमें जो भी एम्प्लीमेंट माउंटिंग टाइप होंगे, माउंटिंग एम्प्लीमेंट को कैसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है और निकाला जाता है मैं उसकी आपको बेसिक जानकारी दूंगा। थ्री पॉइंट लिंकेज की सहायता से, थ्री पॉइंट लिंकेज का मतलब ये होता है कि हमारी दो लोअर लिंक और एक टॉप लिंक की सहायता से जो भी माउंट एम्प्लीमेंट होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है और इन सभी को मिला के हम उसको बोलते हैं थ्री पॉइंट लिंकेज। तो थ्री पॉइंट लिंकेज की सहायता से कैसे हम माउंटिंग टाइप एम्प्लीमेंट को जोड़ें उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एम्प्लीमेंट को जोड़ने से पहले हमें ट्रैक्टर पर बैठना पड़ता है। ट्रैक्टर पर बैठने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड से इसका उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर पर बैठने के बाद आप देखेंगे कि मेरे राइट हैंड पर, ट्रैक्टर पर बैठने के बाद देखेंगे राइट हैंड पर दो हाइड्रोलिक लीवर हम लोग यूज़ करते हैं। एम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो माउंटिंग टाइप एम्प्लीमेंट होते हैं उन जोड़ने के लिए हमें लोग हाइड्रोलिक का उपयोग करना पड़ता है। हाइड्रोलिक में दो लीवर अधिकतर दिए होते हैं। ये जो सबसे बड़ा वाला जो लीवर दिख रहा है ये पोजीशन कंट्रोल लीवर कहलाता है। ये पोजीशन कंट्रोल लीवर जो ऑपरेट होता है उस वो सील्ड असेंबली के ऊपर ही ट्रेवल करता है। पोजीशन कंट्रोल लीवर से हम जब जितना इसको पीछे की तरफ करेंगे तो हमारा जो एम्प्लीमेंट है या हमारी जो लोअर लिंग है वो ऊपर की तरफ अप होगी। पोजीशन कंट्रोल लीवर का मुख्य कार्य होता है कि किसी भी कंडीशन में हमें एम्प्लीमेंट को रोकना हो या गिराना हो या उठाना हो या होल्ड करना हो, तीन कंडीशन हम लोग इस पोजीशन कंट्रोल लीवर से लेते हैं। और दूसरा लीवर होता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, जिसको डीसी लीवर भी कहा जाता है। डीसी लीवर की सहायता से हम लोग एम्प्लीमेंट का या फील्ड में चलाते समय हमें इसका उपयोग करना है और हम लोग इससे ड्राफ्ट सेट करते हैं। जो लीवर हमने देख लिए जिससे हमारी हाइड्रोलिक ऑपरेट होती है, उसके बाद हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद सबसे लो गियर में लो रिवर्स हमें लगाना है। लो गियर रिवर्स इसलिए लगाना है ताकि हम एम्प्लीमेंट तक ट्रैक्टर को ले जा सकें। रिवर्स कंडीशन में हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, लो गियर लगाना है और रिवर्स गियर लगाना है। आपको लेके आना है तो पीछे पूरा लाने के बाद जहाँ आपका एम्प्लीमेंट लगा हुआ है, जहाँ पर एम्प्लीमेंट रखा हुआ है वहाँ तक आपको ट्रैक्टर को लाना है और पार्किंग ब्रेक लगा देना है ताकि ट्रैक्टर आगे की तरफ ना जाए। अब एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि ट्रैक्टर को सीधा कैसे लेके आए ले आ जाए जो हमारा एम्प्लीमेंट होता है उस एम्प्लीमेंट तक हम लोग कैसे सीधा लेके आए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ट्रैक्टर का जो हिच पॉइंट होता है, एम्प्लीमेंट का जो हिच पॉइंट होता है, पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए हिच पॉइंट का सेंटर, और हमें हिच पॉइंट के सेंटर के साथ हम लोग देखें ट्रैक्टर की सीट का सेंटर, ये वाला हिस्सा, ये जो सेंटर है, अगर ये आमने सामने होंगे, बिल्कुल एक सीध में होंगे, तो हमारा जो ट्रैक्टर होगा वो पूरा का पूरा एम्प्लीमेंट की सीध में आएगा। इसी के साथ इसमें दो लोअर लिंग हम लोग प्रयोग में लाते हैं। हमने पहले भी आपको बताया एक जो लोअर लिंग होती है वो फिक्स टाइप होती है, नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग कहलाई जाती है। इसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट का मतलब ये होता है कि इसकी ऊंचाई हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये वाली जो होती है, जो लेफ्ट वाली जो लोअर लिंग होती है वो हमेशा फिक्स होती है, जिसको नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग कहा जाता है। तथा राइट वाली लोअर लिंग हम लोग देखें, राइट वाली जो लोअर लिंग रहती है वो एडजस्टेबल होती है। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि इसकी ग्राउंड से हम लोग ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल लोअर लिंग कहा जाता है। अब एम्प्लीमेंट को लगाने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, सिंगल व्यक्ति भी एम्प्लीमेंट को लगा सकता है। उसके लिए लगाने का जो प्रिंसिपल है वो इस तरह है। सबसे पहले आपको नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग लगाना है। नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग जब आप लगाएंगे एम्प्लीमेंट को सीध में लाकर, तो सबसे पहले आपको नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग लगानी है। बहुत आसानी से नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंग हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद आपको लगाना है एडजस्टेबल लोअर लिंग। एडजस्टेबल लोअर लिंग जब लगाया जाता है तो आप देखेंगे कि अभी लग नहीं रही है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल लोअर लिंग से हम लोग इसकी ऊंचाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही इसकी हम एडजस्टेबल करते हैं तो ये देखिए, ठीक। एम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ जब जोड़ा जाता है तो हम दो तरह की पिनों का प्रयोग करते हैं। एक होती है लिंच पिन और दूसरी होती है हिच पिन।
हिच पिन का मतलब ये होता है कि हमें लोअर लिंक और एम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए पिनों का प्रयोग करना है। ये कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री की लिंच पिन हम लोग प्रयोग में आती है। अगर सिंपल सी भाषा में हम लोग बात करें तो जो भी पिन हमें यूज़ करना है वो उसके डायमीटर होल के अनुसार करना चाहिए, होल में फ्री प्ले नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा जो पिनें रहेगी वो फिक्स होनी चाहिए। इसमें अगर फ्री प्ले रहेगी तो हमारा जो भी एम्प्लीमेंट होगा वो आगे पीछे बार बार इसमें जर्क होगा और जिससे सेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको जब भी पिन प्रयोग में करना है, प्रयोग में लेके आना है, तो आपको हमेशा फिक्स वाली जो कैटेगरी वन की हो या कैटेगरी टू की हो पिनों का प्रयोग करना है। नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक लगा लिया हमने सबसे पहले, फिर एडजस्टेबल लोअर लिंक लगा लिया। थर्ड कंडीशन में सबसे आखिरी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमें लगाना है टॉप लिंक। ये हमारी कहलाती है टॉप लिंक। टॉप लिंक को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। देखिए मैं इस तरह इस टॉप लिंक को बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने के लिए सेंटर से आपको इसका प्रयोग करना है। इस तरह हम लोग इस पिन को टॉप लिंक को बढ़ा सकते हैं और इसमें जो इसके साइज की पिन है कैटेगरी वन, कैटेगरी टू या कैटेगरी थ्री की, ये हमारे पास इसमें कैटेगरी टू की पिन है। कैटेगरी पिन लगाने के बाद हमें इसमें तीसरी कंडीशन में हमें लगाना है, उसको बोलते हैं हम लोग ये लिंच पिन। इस तरह किसी भी एम्प्लीमेंट को जो माउंटिंग टाइप एम्प्लीमेंट होगा उसे जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के पश्चात जब आपको इसको निकालना है तो आपको इसके डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टॉप लिंक निकालना है, टॉप लिंक का हिस्सा निकालना है। सेकंड कंडीशन में आपको निकालना है एडजस्टेबल लोअर लिंक और थर्ड कंडीशन में लगाना है जो नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक देती है। टॉप लिंक को ट्रैक्टर की सेंसिंग ब्रैकेट से जोड़ते हुए यह ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा एक कर्व हो, ऊपर वाला हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो और डाउन वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो। यह सेंसिंग ब्रैकेट कहलाता है, इसको बेल क्रैंक भी कहा जाता है। इसमें सिंगल पॉइंट है ये, तो सिंगल पॉइंट होगा तो सिंगल ही में हम लगाएंगे। अगर इसमें और भी पॉइंट होंगे तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंडीशन में हमें इसको लगाना है। एम्प्लीमेंट लगाने के बाद आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉप लिंक को है लॉक करना है। आपको टॉप लिंक के लॉक करने के लिए देखिए इस तरह का एक हमारे पास नट दिया होता है, इसकी सहायता से हम इसको टॉप लिंक लॉक किए जाते हैं। अगर आप टॉप लिंक लॉक नहीं करेंगे तो टॉप लिंक हमारी कुछ समय बाद चल चल कर खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे झटके आते हैं, जर्क आते हैं। सेकेंड कंडीशन में जहाँ आपकी एडजस्टेबल, आपने जो लोअर लिंक है उस एडजस्टेबल लोअर लिंक को भी लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पर लॉक लिया हुआ है। इस लॉक को आपको करना है, ये विशेष जानकारी है, आपको इसको रखना है। लॉक करेंगे तो आपको इसको जर्क नहीं पड़ेगा। पूरा करने के बाद आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके हमें ये देखना है एम्प्लीमेंट को ऊपर की तरफ उठाना है और इसमें ये देखिएगा लोअर लिंक के साइड में ये वाला हिस्सा, ये देखिए वही वाला यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ, ये कहलाती है चेक चेन। इसको बोलते हैं हम लोग चेक चेन। तो एम्प्लीमेंट जब माउंट हो जाता है, जब जुड़ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी फ्री प्ले एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एम्प्लीमेंट के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लीमेंट के साथ कैसे फ्री प्ले हमें एडजस्ट करनी है और इसको किस तरह लेवल में रखना है। एम्प्लीमेंट को जमीन के हिस्से से बिल्कुल समतल रखना है, मैं आपको बताऊंगा। मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह हमने ट्रैक्टर के साथ एम्प्लीमेंट को जोड़ा था, जोड़ने के लिए हम लोग, मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक हम लोगों ने एम्प्लीमेंट के साथ लगाई थी, फिर एडजस्टेबल लोअर लिंक हम लोगों ने लगाया था, थर्ड कंडीशन में हम लोग टॉप लिंक लगाई थी। अब जब इसको निकालना है इस ट्रैक्टर के साथ जो भी माउंटिंग टाइप एम्प्लीमेंट को निकालना है, तो इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में आपको काम करना है। सबसे पहले आपको टॉप लिंक निकालना है, जब टॉप लिंक आपकी निकल जाएगी तो उसके बाद आपको राइट लोअर लिंक को निकालना है जो एडजस्टेबल लोअर लिंक होती है, और सबसे आखिरी में आपको सबसे आखिरी जो निकालना है वो आपकी जो लेफ्ट लोअर लिंक होगी उसको निकालना है, जिसको हम लोग कहा जाता है कि ये एडजस्टेबल नहीं होती है, नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक को हम लोग कहा जाते हैं। ट्रैक्टर के साथ हमने जब एम्प्लीमेंट को जोड़ दिया है तो हमें एम्प्लीमेंट को उठाना है ताकि हम लोग उसकी फ्री प्ले, एम्प्लीमेंट की ट्रैक्टर के साथ फ्री प्ले देख सकें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर से हमें एम्प्लीमेंट को लिफ्ट कंडीशन में रखना है, ठीक है। लिफ्ट कंडीशन में चाहें कि आप अधिकतर ट्रांसपोर्ट लॉक लगा दें, हाइड्रोलिक लॉक के नाम से जिसे जाना जाता है, ये ट्रांसपोर्ट लॉक आप लगा देंगे तो एम्प्लीमेंट हमारा जर्क के कारण नीचे नहीं गिरेगा। एम्प्लीमेंट से पीछे की तरफ करना है, हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करके हमने एम्प्लीमेंट को लिफ्टिंग पोजीशन में रख लिया। और लिफ्टिंग पोजीशन में इसके बाद इसको देखिए, ये मूवमेंट हम लोग ये कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, ये एम्प्लीमेंट की जो साइड वाली मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है आपको 2 से 3 इंच रखना है, इसको बोलते हैं फ्री प्ले।
इसको एडजस्ट करने के लिए कंपनियां दो तरह का अरेंजमेंट देती है, एक देता है चेक चेन के साथ और दूसरा देता है स्टेवार। आप देखेंगे ये हमारी चेक चेन है, इस चेक चेन को हम लोग टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको काफ़ी कंडीशन में टाइट कर रहा हूँ, देखेंगे। अभी मैं इस साइड पूरा टाइट किया है इसको। टाइट का मतलब होता है शॉर्ट करना, मैंने इस को शॉर्ट किया, छोटा करा। किसी भी एम्प्लीमेंट के साथ ये चेक चेन की सेटिंग करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर चेक चेन की सेटिंग आप नहीं करोगे तो अगर इसकी फ्री प्ले ज़्यादा होगी, ज़्यादा से मतलब ये होगा कि इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, साइड वाला मूवमेंट, ये मूवमेंट दिख रहा है ना, ये मूवमेंट अगर ज़्यादा होगा तो हमारी जो लोअर लिंग है वो हमारे टायरों से घिसेगी और हमारे टायर खराब हो जाएंगे, अगर फ्री प्ले ज़्यादा होता है चेक चेन का। अगर फ्री प्ले कम होती है तो टर्निंग के समय जब हम लोग टर्न करते हैं, एम्प्लीमेंट को टर्न कर रहे हैं, तो चेक चेन पर लोड आता है, वो चेक चेन का लोड आता है तो ये चेक चेन हमारी क्या होगी, टूट जाएगी। ये देखिए इस समय मैंने सेंट्रलाइज करके इसका फ्री प्ले कम कर दिया, ये प्रॉपर सेटिंग हो गई है इसकी। अब इसके बाद हमें एक सेटिंग और करना है कि इसको देखना है कि इसके जो टाइम्स है, ये टाइम्स कहलाते हैं, ये साइड इस ग्राउंड से इस समतल रहे, पूरे के पूरे टाइम्स इस जमीन पर एक समान रूप से रखाने चाहिए। एक समान रूप से रखाने मतलब अगर ये समान नहीं रखाएंगे, कोई देखिए इसमें दो तरह की, ये टिल्ट आगे की तरफ टिल्ट भी हो जाता है और पीछे की तरफ भी ये घूम जाता है, तो इसको हमें विशेष ध्यान देना है। और इस समय हमें फिर ट्रैक्टर पर बैठना है। ठीक है, लोअर लिंग का सहारा लेंगे। तो अभी हम देखें, इसको उठा के देखें, तो हमारी जो एडजस्टेबल लोअर लिंग है ये इससे थोड़ा लेट उठ रहा है, वो एडजस्टेबल वाला पहले उठ रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको अरेंज यहाँ से सेट करेंगे, इससे हम लोग कम ज़्यादा इसकी ऊंचाई कर सकते हैं। और अगर ये आगे पीछे टिल्ट हो रहे हो तो उसे हम लोग टापलिंग की सहायता से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ये कहना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा एम्प्लीमेंट जब ज़मीन में चले, खेती किसान खेती करे, तो बिल्कुल समान रूप से समतल करना चाहिए। उसके लिए आप लोअर लिंग या टॉप लिंग से इसको सेट करना है। तो ट्रैक्टर के साथ जब एम्प्लीमेंट को हमने फाइनल जोड़ लिया है, तो हमें इसको खेत में चला के देखना है, फील्ड में चला के देखना है। अगर हमारा एम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से सेट होगा, एम्प्लीमेंट के साथ लोअर लिंग, टॉप लिंग, चेक चेन प्रॉपर तरीके से काम करेगी, तो हमारा खेत जो रहेगा वो समान रूप से जुताई करेगा और समान रूप से हमारी गहराई रहेगी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, एक माउंटिंग टाइप एम्प्लीमेंट को बस इतना ही तरीके से हमें जोड़ा जाता है और इतनी ही इसकी जानकारी होती है। और इतना ही कहकर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।